वाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? देखो अर्थ अगर हम बीच में से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं एकदम बीच में, तो उसे कहेंगे इक्वेटर, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। तो उसके ऊपर जितना चलेंगे वो नॉर्थ हो गया, और नीचे चलेंगे साउथ हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ है? इक्वेटर पर। इक्वेटर कहाँ है? एकदम बीच में अर्थ की वो जो इमेजिनरी लाइन खींची गई है वो है इक्वेटर। ये क्यों कर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीडिंग सब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें हर एक प्लेस की लोकेशन पता लग जाएगी इसी से, नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो कि गुजरता है इंडिया से भी। इंडिया के 8 स्टेट्स से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या वैल्यू क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। इंडिया की, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइड करेंगे ना, तभी तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगी ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी होकर गुजरता है, किसी स्टेट से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इमेजिनरी मतलब एक्चुअल में नहीं है, बट हमने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि हमें पेपर पर सब चीज़ों की लोकेशन पता करनी है, मैप बनाना है हमें हर जगह का, इसलिए।